देखिए जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया, तुरंत हमारा जो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर था वो ऑन हो चुका है। अभी मैं इसे सेंटर में करता हूँ, सेंटर में करने पे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आर के ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे आसान तरीके से हम फॉरवर्ड और रिवर्स का कंट्रोल वायरिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्टेक्टर लिया है, इस कॉन्टेक्टर के नीचे मैंने रिले को कनेक्ट कर दिया है। सेम यहाँ पर मैंने एक दूसरा कॉन्टेक्टर लिया है, इस कॉन्टेक्टर में ऊपर की तरफ A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल दिया है, यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं दिया है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ A1 टर्मिनल और A2 टर्मिनल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें कंट्रोल वायरिंग करने से पहले हमें कॉइल वोल्टेज चेक कर लेना है जो कि कॉन्टेक्टर के ऊपर दिया होता है। तो यहाँ पर 230 वोल्टेज कॉइल वोल्टेज है। तो यहाँ पर मैंने दो कॉन्टेक्टर लिया है और एक रिले को लिया है, और यहाँ पर मैंने एक मेन MCB लिया है। इस मेन MCB की सहायता से इस कॉन्टेक्टर के कंट्रोल वायरिंग को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक 3 पोजीशन रोटेशन स्विच लिया है जो कि सेंटर में ऑफ होता है। अगर हम इसे राइट में रोटेट करेंगे कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, इसे हम सेंटर में करेंगे कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, अगर हम इसे लेफ्ट में करेंगे तो तुरंत हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। उसके बाद में सेंटर में ये रोटेशन स्विच ऑफ होता है। इस रोटेशन स्विच के नीचे मैंने 2 NO का पुश बटन लगाया हुआ है जिसकी सहायता से हम इस फॉरवर्ड और रिवर्स का कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वायर लेता हूँ, उस वायर को इस कॉन्टेक्टर के नीचे जो रिले लगा हुआ है इस रिले के 96 नंबर टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस रिले के 96 नंबर टर्मिनल पे जोड़ दिया है। अभी इस वाले वायर को इस रोटेशन स्विच के नीचे के टर्मिनल में यहाँ पर या फिर हम यहाँ पर, ये दो में से किसी भी एक टर्मिनल में हम लाकर जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये टर्मिनल में लाकर जोड़ दिया है। अभी मैं एक दूसरा वायर लेता हूँ, उस वायर को जहाँ पर मैंने इस येलो वाले वायर को ज्वाइंट किया है, यहाँ से एक वायर को निकाल कर हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाले वायर को इस तरह से लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस वाले वायर को जोड़ दिया है। अभी मैं एक दूसरा वायर लेता हूँ, उस वायर को मैं ये टर्मिनल से निकाल कर इस फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में वायर को जोड़ दिया है। अभी मैं एक दूसरा वायर लेता हूँ, उस वायर को इस कॉन्टेक्टर के नीचे जो NO का पुश बटन लगा हुआ है उसमें ये वाला टर्मिनल अभी खाली है। तो यहाँ से मैं एक वायर को निकाल कर इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में जोड़ देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों टर्मिनल में दो वायर जोड़ दिया है, जो कि एक वायर ये कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है और दूसरा वायर ये कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में जोड़ दिया है। अभी मैं एक वायर लेता हूँ, उस वायर को मैं इस MCB के आउटपुट के टर्मिनल से एक वायर को जोड़कर इस रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे जोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस वायर को जोड़ दिया है। अभी इस वाले वायर को रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये 95 नंबर टर्मिनल पे मैंने वायर को जोड़ दिया है। अभी मैं इस MCB के ये वाले टर्मिनल से एक वायर को निकाल कर दोनों कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे लाकर वायर को जोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इस MCB से एक वायर को निकाला है जो कि इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ दिया है,
और यहीं से एक वायर को निकालकर मैंने यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ दिया है। अभी हम मेन सप्लाई लाकर इस MCB में इन कर देंगे। ध्यान रखें, जब हम मेन सप्लाई लाकर इन करें तो उस समय हमारा पावर सप्लाई बंद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस MCB में मेन फेस वायर को और मेन न्यूट्रल वायर को लाकर इन कर दिया है। अभी मैं मेन पावर को ऑन कर देता हूँ। मैंने मेन पावर को ऑन कर दिया है। अभी मैं इस MCB को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने इस MCB को ऑन किया, तुरंत हमारा जो पावर सप्लाई है वो इस MCB के आउटपुट टर्मिनल में जा चुका है। अभी मैं इस रोटेशन स्विच को रोटेट करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया, तुरंत हमारा जो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर था वो ऑन हो चुका है। अभी मैं इसे सेंटर में करता हूँ। सेंटर में करने पे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो चुका है। अभी मैं इसे लेफ्ट साइड में रोटेट करता हूँ तो हमारा यह कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। अभी मैं इसे वापस सेंटर में करता हूँ तो तुरंत हमारा कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो चुका है। अगर हमें दोबारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन करने का है तो हम इसे लेफ्ट में रोटेट करेंगे, तुरंत हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हमें फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन करने का है तो अगर हम इसे फॉरवर्ड में करेंगे, राइट में करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और सेंटर पे करने पे दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार हम आसानी से फॉरवर्ड और रिवर्स का कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।